माजी ने जो आपके बारे में बताया था, आप वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या सब मतलब? मतलब भोले और मासूम। हर माँ के लिए अपना बच्चा भोला और मासूम नहीं होता। अच्छा सुनिए, ये पी लीजिए। नहीं, मुझे दूध से एलर्जी है। तुम पी लो। मैं पी लूं? मैं बहुत थक गया हूँ पूरे दिन, तो मैं अभी नींद आ रही है, मुझे सो रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, अभी लाइट ऑफ मत कीजिए, मुझे अपनी ज्वेलरी उतारनी है। क्या क्या सोचा था आज की रात के बारे में? सारी अरमानों पे पानी फेर दिया इन्होंने, लेकिन मैं अपनी इस मेमोरेबल नाइट को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। अच्छा सुनिए, चूड़ियां नहीं उतर रही हैं, प्लीज हेल्प कर दीजिए। आहिस्ता कीजिए, लग रही है। अरे आप इतनी सुबह कहाँ के लिए रेडी हो गए? ऑफिस जा रहा हूँ। आपने आज छुट्टी नहीं ली? एक्चुअली मेरे बॉस खुद लीव पर हैं और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रखी है, ऐसे माहौल में छुट्टी नहीं ले सकता। ये लीजिए आपकी चाय। आ गई आप? वाह, बस सुबह की चाय बस तुम ही बनाया करो। बस कुछ दिन और, बाद में बहू के हाथ की चाय की आदत डाल लेना। बहू है ना यहाँ? कह तो रही है कि खुश है, मगर पता नहीं क्यों कुछ नजर नहीं आती। अरे तुम इतना सोचती क्यों हो? अगर खुश नहीं होती तो अभी तक तो अपनी मायके चली जाती। सोचू ना तो क्या करूं, हमारा बेटा है ही ऐसा अलबेला, उसके साथ ना कोई भी लड़की गुजारा नहीं कर सकती। शादी हो गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। चाय पियो। भगवान करे ऐसा ही हो। से कितने बार कहा है दरवाजा अंदर से बंद मत किया करो, बेकार में अपनी नींद खराब करती हो। नींद ही कहाँ आती है मुझे, आपके एहसास की कमी जो महसूस होती है मधु।
माँ जी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ कर लेंगे, पहले घर का काम तो निपटाने दे। तेरे बाबूजी को टाइम पे चाय नहीं मिली ना तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे। माँ जी, लेकिन मधु के बारे में मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे पता है तुझे क्या बात करनी है। मैं मधु से कह दूंगी कि वो शाम को घर पे जल्दी आया करे। फिकर नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। मैं बाबूजी को चाय दे के आती। हेलो मधु, आप आज अभी तक आए नहीं। कोमल, आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करूंगा। लेकिन आज हमारे मिलन की रात होगी। लाइट्स ऑफ करो और मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। खाना गरम करने जा रही हूँ, वो आता ही होगा ना। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, अंदर चलो। अरे लेकिन हुआ क्या है? अरे चलो ना, बात करनी तो है ना। ठीक है, चलो चलो चलो। बेटा देखो, मैंने तुमसे बहुत उम्मीद बांध के रखी। रोज सुबह ये आस लेकर उठती हूँ कि तू आज कोई खुशखबरी सुनाएगी। मुझे निराश नहीं करना बेटा, लेकिन लेकिन तेरी आंखों की उदासियां देखती हूँ तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? माँ जी, मैं क्या करूं? कैसे दूं आपको खुशखबरी? जब से मेरी और मधु की शादी हुई है, उन्होंने हाथ लगाना तो दूर, मुझे ठीक से देखा तक नहीं है। ये क्या कह रही है तू? मैं सच बोल रही हूँ माँ जी। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जिंदगी में कोई और है।
माँ मैं शादी नहीं कर सकता, अगर शादी करूंगा तो सिर्फ किरण से। तेरा दिमाग खराब हो गया, उससे कैसे हो सकती है तेरी शादी? सीधी तरह कोमल से शादी कर, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। माँ माँ जी माँ जी, आप इसे चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना कि सच में उनकी जिंदगी में कोई है। अगर उसकी जिंदगी में कोई और होगी भी तो तू क्या हार मानेगी, अपने पति को छोड़ देगी? इसका मतलब सच में उनकी जिंदगी में कोई है ना? ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि एक औरत में इतनी ताकत होती है कि वो एक पत्थर तक को पिघला सकती है। मैंने हर कोशिश करके देख ली है माँ जी, लेकिन उनका दिल एक उनका दिल है जो कि पिघलता ही नहीं है कभी। देख ली मैंने तेरी कोशिश है, अब जैसा मैं कहती हूं वैसा कर। क्या ड्रामे कर रही हो? अरे क्या बदतमीजी है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें सब करते हुए? क्या कहा तुमने कि मुझे शर्म आनी चाहिए? और किस बात की शर्म मधु? आखिर एक पति से प्यार पाना हर पत्नी का हक होता है, और तुम मुझसे बोल रहे हो कि मुझे शर्म नहीं आ रही? अरे क्या गलत कर रही हूँ मैं? आखिर पिछले 4 महीने से सिर्फ इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा कि किसी दिन तुम आओगे और पूछोगे कि मधु तुम कैसी हो, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे शर्म आनी चाहिए? स्टॉप इट, just stop it. No, I won't stop. तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा मधु। आखिर क्यों की तुमने मुझसे शादी, जब तुम मुझे एक पत्नी होने का एहसास नहीं दे सकते थे? आखिर क्या कमी है मुझ में? कहीं कमी तुम में तो नहीं है जो तुम मुझे एक पत्नी होने का सुख नहीं दे पाए? बोलो बोलो मधु, मुझे जवाब दो। हर तुम मुझे जवाब देके रहोगे। छोड़ो मुझे। मिल गई शांति आप लोगों को, आ गया सुकून आप लोगों को मेरी जिंदगी पर बात करके। अब जाइए और उसके सवालों का जवाब दीजिए। अरे लेकिन हुआ क्या है, कुछ बोलेगा भी? होना क्या है, आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि मैं किरण के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। अब जाइए और उसके सवालों के जवाब दीजिए, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं।
अरे जाइए, रोकिए उसे। वो अगर बहू को छोड़ के भाग गया ना, तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जाइए जल्दी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इस बेटे का मैं क्या करूं? अगर तू जाना चाहता है तो जा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर तू चला गया तो खानदान में कितनी बदनामी होगी हमारी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, और हमारे पास आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। पापा, आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके रोकने की कोशिश मत कीजिए। आप जानते हैं मैं चाहकर भी कोमल को पति का सुख नहीं दे सकता। बेटा, अगर ऐसा है तो हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे हमारी समाज में बदनामी भी ना हो और तुम भी खुश रहो। ऐसा कोई रास्ता है? है, लेकिन तेरी माँ को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता। देखो, आज ऑफिस से जल्दी आ गया। अब कोई फायदा नहीं है मधु, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। ठीक है, तो मेरे भी कपड़े पैक कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूँ। देखो मधु, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जाती की है, लेकिन तुम्हें पता नहीं इन दिनों बहुत टेंशन से गुजर रहा था। अब कहीं जाकर सॉल्व हुआ है तो मुझे माफ़ नहीं करोगी? ऐसी कौन सी टेंशन थी मधु, जो तुम्हें अपने 4 महीने से बीवी के पास आने से रोकती रही? बैलेंस शीट में 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन कम आ रहा था, सारा इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा था। मेरे पैसे के साथ में इज्जत प्रेस्टीज सब दाव पर लगे हुए थे। अब जाकर कहीं मैटर सॉल्व हुआ है। लेकिन तुम ये मुझे पहले भी बता सकते थे ना। मैं किसी को टेंशन नहीं देना चाह रहा था, मैं बस ऐसा ही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मधु, कि ये सपना है या हकीकत। खुली आंखों से जो हकीकत सपना नजर आने लगे, उसे बंद आंखों से देखना चाहिए। ये क्या कर रहे हो? लाइए ये आप मुझे दीजिए। अरे अरे, और आप जाकर आराम कीजिए, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ठीक है, जाइए। चलिए, आज इतने दिनों बाद पहली बार तुझे इतना खुश देखा है। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये बात सच है। और मधु ना बहुत ही अच्छे इंसान है, और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ।
भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मन्नत पूरी कर दी। अभी कल ही बालाजी के मंदिर जाके मत्था टेक के आती हूँ। अब आप जाइए, चलिए नाश्ता बना दीजिए मुझे। जाइए। मधु, चलिए माँ, मैं आपको ऑफिस जाते जाते छोड़ देता हूँ। जी जी, घर का ख्याल रखना। हाँ जी, रुको, आ जाओ, कोई ऑफिस नहीं जा रहे, छुट्टी ले लो और बाबू के साथ रहो। ये क्या कह रहे हैं आप? जैसे मैं कहता हूँ मान ले, खुश रहेगा। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख बेटा, अब सब कुछ ठीक हो गया है। पापा की बात मानो और बहू के साथ घर में रहो। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। अरे चलो ना, बहुत देर हो रही है, चलो। ठीक। अच्छा हुआ तुम आ गई। इनकी बेटी यानी हमारी बहू घर छोड़ के भाग गई है। क्या? बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम लोग। और ये देखो चिट्ठी दी है। मुझे माफ कीजिए, मैं दोहरी जिंदगी और नहीं जी सकती। ये शादी मैंने कर तो ली, मगर मैं अपना पहला प्यार भुला नहीं सकी। मैं अपने और आपके दिए हुए सारे जेवर यहीं छोड़कर जा रही हूँ। बस आप लोगों से एक विनती है, मुझे ढूंढने की कोशिश करके मेरी मुसीबत और मत बढ़ाइएगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? परसों तो कोमल इतनी खुश थी जब मैं यहाँ से गई थी। यही तो मैं कह रहा हूँ समना जी, मैंने कभी भी अपनी बेटी पर कोई दबाव नहीं डाला। मैंने अपनी बेटी को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी दी थी। अगर उसका किसी के साथ रिश्ता होता तो वो मुझसे कहती, इस तरह खुशी खुशी वो मधु से शादी ना करती। कहाँ गई थी आप? मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मधु और कोमल एक हो जाएंगे तब मैं बालाजी के मंदिर में मत्था टेकने जाऊंगी। परसों तो कोमल इतनी खुश थी, यहाँ तक कि मधु की बहुत सारी तारीफ कर रही थी मेरे पास, और फिर ये सब अचानक। ठीक है, हमने आप लोगों का बयान दर्ज कर लिया है। हमें जैसे ही कोमल का कुछ पता चलेगा हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। आपको क्या लगता है वो ढोंगी बाबा झाड़ फूंक करके मेरा इलाज कर देगा? वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे मैं कोई बीमार आदमी हूँ। देखो मैं बता देता हूँ, मुझे किरण से कोई अलग नहीं कर सकता। खबरदार, उस किरण का नाम दोबारा अपने मुंह से निकाला। बेहोश हो गई, लेके चलते। क्या जरूरत थी इसको यहां लाने की? अरे ऐसे कैसे मैं वहां उसे छोड़ आती? अच्छे घर की लग रही है, पता नहीं बिचारी की क्या मजबूरी रही होगी। होश में आए तो कुछ पता भी चले। बेटा उठो, बेटा मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। वो लोग आते होंगे, मेरी शादी। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। सुनो मेरे पास, कौन कौन किसकी शादी कर रहे हैं तुम्हारी? मेरी शादी, मेरी तेली माँ, मेरी सौतेली माँ, मेरी शादी 70 साल के बूढ़े के आदमी के साथ कर लेना चाहती है, मुझे नहीं करनी। हाँ आप लोग प्लीज मुझे महिला आश्रम में छोड़ दीजिए, प्लीज। महिला आश्रम? महिला आश्रम आप जैसी लड़की के लिए नहीं है। नहीं, मैं नहीं लूंगी। हालात सब जगह रहना सिखा देते। अब तुम समझना नहीं चाहती तो खैर छोड़ो, मैं पता करता हूँ कोई भरोसेमंद महिला आश्रम का, ठीक है?
जब तक तुम यहाँ रहो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आओ बेटा मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। चल आराम से। पेपर ही पढ़ती रहोगी कि चाय भी पिलाओगी? आ रही है बाबा, आ रही है। ये देखो, ये लीजिए आप दोनों की गर्मा गर्म चाय। आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? आप तो मेहमान है यहाँ की। मैं भी यही कह रही थी, सुबह से मुझे किसी काम में हाथ लगाने नहीं, बिल्कुल किचन से भगा ही दिया है। अरे माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे काम करने की आदत है और अगर मैं काम नहीं करूँगी ना तो बीमार पड़ जाऊंगी। अरे मैं तो मधु को चाय देना ही भूल गई। अरे माँ जी आप बैठिए मैं देकर आती हूँ। सुनो जी कितनी सुंदर और सुशील है, क्यों ना इसको हम अपने घर की बहू बना लें? कैसी बात करें यार, ना इसके घर का पता ना खानदान का, और फिर हमारा अलबेला बेटा वो तो राजी नहीं होगा किसी से शादी करने के लिए। अरे भगवान लड़की के खानदान को छोड़ो, ये देखो ना कोई उसके आगे ना कोई पीछे, और मधु ने अगर अपने रंग दिखाए ना तो उसके बाद भी कहीं नहीं जाएगी, यही पड़ी रहेगी। और तुम्हारा अलबेला बेटा उस किरण को भूल सकता नहीं है, वैसे ही इस किरण का दीवाना हो जाएगा। भगवान करे ऐसे ही। तो फिर ठीक है तुम शादी की तैयारी करो, मैं मधु को बनाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? एक बार आपकी बात मान के देख लिया अपने। बेटा तेरी भावनाओं को मैं समझता हूँ, लेकिन सोच इस बार अगर तेरी शादी हो गई और समाज में तेरी कितनी इज्जत होगी, और उसकी आड़ में तो कुछ भी कर सकता है, कोई तेरे पे उंगली भी नहीं उठाएगा, और बाकी सब संभालने के लिए मैं हूं ना, तू फिक्र क्यों करता है? और इस बार अगर कोई गलती हुई तो मैं बिना बताए घर छोड़ के चला जाऊंगा। बेटा कोई गलती नहीं होगी, वाह किरण वाह, शादी की पहली रात को घर की चाबियां। शादी की पहली ही रात पर माँ जी ने मुझे घर की सारी चाबियाँ दे दी हैं। थोड़े दिन और रुकी ना तो पता नहीं क्या क्या और मिलेगा यहाँ। ठीक है मैं रखती हूँ, वो आता ही होगा। तुम्हें भी दरवाज़ा बंद रखने की आदत है? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा डर लग रहा था। देखो मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जिससे कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बोलिए ना। सबसे पहले तो ये और फॉरमोस्ट कि मेरे वर्किंग आर की शिफ्ट फिक्स नहीं है, मैं बहुत जल्दी निकल जाता हूँ और लेट नाइट तक आता हूँ, तो हमारी मुलाकातें बहुत कम होंगी, तुम्हें मंजूर है? जी मुझे आपकी हर बात मंजूर है। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी इस रात को जिंदगी की सबसे यादगार रात बनाना चाहता हूँ। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, तुम कोई सवाल नहीं करोगे।
भगवान, कब तक जाप करती रहोगी? अब तो सो जाओ। अरे आप सो जाइए, आप क्यों जाग रहे हैं? मुझे बाबा जी ने पूरी रात जाप करने के लिए कहा है। पूरी रात? हाँ हाँ पूरी रात, जब तक नई बहू के मुंह से ये ना सुन लूं कि सब कुछ ठीक ठाक है तब तक जाप करूंगी। आप सो जाइए। तुम्हारी माँ जाप कर रही है, मैं नहीं आ सकता। पापा तो आ नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं? फंस गया यार। अचानक से मेरा सर दर्द होने लगा। मैं दवा देती हूँ। नहीं नहीं सो जाऊंगा मैं, ठीक हो जाऊंगा कल तक। तुम भी सो जाओ। आपने तो कल फंसा दिया था मुझे। तो क्या करता? अचानक तेरी माँ को जाप करने का भूत सवार हो गया और कहने लगी जब तक बहू के मुंह से मिलन की खबर ना सुन लूं हर रात मैं ऐसे ही जाप करती रहूंगी। माँ को भी नए नए कारनामे सोचते रहते हैं। तू चिंता मत कर, मैंने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। आप तो निकालेंगे, देख रहा हूँ काफी बदल गए आप। बेटा तेरे को मैंने पूरी आजादी दी है ना, और एक उम्र के बाद बाप और बेटा दोस्त हो जाते हैं, समझा? हाँ जानता हूँ। अब बताइए माँ का क्या करना है? नीम की गोली। इसकी क्या जरूरत है? रहने देते हैं ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मधु, मधु मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मधु छोड़ो मुझे। मधु क्या कर रहे हो ये? मधु, मधु ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये पकड़। अरे रुक। जरा अगर दोबारा तूने ऐसी गलती करी ना तो तेरा वही हाल करेंगे जो हमने पहली वाली का किया था, इसीलिए हमारी बात मान जा। डरा रहा है मुझे? मुझे पता है कोमल ये घर छोड़कर भाग गई थी। भाग नहीं गई थी, हम दोनों ने मिलके मारा था उसे और अब तुझे भी मार डालेंगे। क्या तुम लोगों ने उसे मारा था? ये क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट माँ जी, मैं आपकी बहू किरण नहीं हूँ, इंस्पेक्टर शीतल। आपके पति ने और आपके बेटे ने मिलकर कोमल का कत्ल किया है। वो घर छोड़कर भागी नहीं थी। ये क्या कह रही है?
मिशन ओवर एंड सक्सेसफुल। आप कुछ बोलिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलेगा, जरूर बोलेगा। बोल, बोल या मैं अपने तरीके से पूछूं। बता, कोमल को तूने कहां मारा, कैसे मारा और उसकी लाश को कहां ठिकाने लगाया? बोल। बताता हूँ। मधु की माँ मन्नत पूरी करने के लिए बालाजी गई थी। कोमल ने हम दोनों का खेल देख लिया। क्या कर रहे हैं आप मान? ससुर जी आप? सर छोड़िए मुझे। मधु, मधु, सुनो, मधु, 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 मधु। मधु नहीं, मधुबाला। ये कौन है जानवर? कबाब में हड्डी। ये मेरा पति किरण। तुम्हें बहुत शिकायत रहती थी ना कि मैं तुम्हें छूता नहीं हूँ, तुम्हें वक्त नहीं देता। अब हम तीनों साथ मिलकर रहेंगे, ये तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने देगा। कुछ नहीं कहूंगी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। हम कैसे मान ले कि तू किसी से कुछ नहीं कहेगी? मैं सिर्फ कसम खा के कहती हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मानना तो मैं भी नहीं चाहता तुम्हें। मधु, पेपर और पेन लेकर आ। तू एक काम कर, पेपर पे कुछ ऐसा लिख के दे दे जिससे ये लगे कि तू अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और उसके बाद हमारे पे कोई आंच नहीं आएगी। तू बस लिख के दे दे, हम तेरे को छोड़ देंगे। ले ले। लिख, मैं दोहरी जिंदगी नहीं जी सकती। कोमल को हम दोनों ने मारने के बाद बगीचे में गाड़ दिया। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने नीच हो। और तुम पैदा होते ही मर क्यों नहीं गए? काश मैंने तुम्हें उसी दिन जहर दे दिया होता जिस दिन मुझे पता चला था कि तुम्हारी दिलचस्पी लड़कों में है। माफ कीजिएगा माँ जी, आप पहले भी गलत थी और आज भी गलत हैं। समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है। जैसे आपकी और हमारी पसंद है वैसे ही उनकी भी पसंद है और इसे बदला नहीं जा सकता। समलैंगिक होना कोई अपराध नहीं है।
लेकिन इसे छुपा कर किसी और की जिंदगी बर्बाद कर देना अपराध है। ले चलो इन सबको। माँ जी अपने आप को संभालो।